हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2030 तक देश विदेश में 70% EVs ही होंगे, राइट? बिकॉज EVs आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। लेकिन एक मिनट, जरा इन आर्टिकल्स को देखो। As you can see, इनका तो कुछ और ही कहना है। The Norwegian University के इस रिसर्च के मुताबिक, ऑन रोड आने से पहले ही एक ईवी 13,608 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी एमिट कर चुकी होती है, जिसके चलते हर साल 36,000 लोगों की जाने चली जाती है। यानी जहां पर सभी देश ईवी को ग्रीन एनर्जी सोर्स समझ रहे हैं, यही ईवी असल में ग्रीन हाउस इफेक्ट को ट्रिगर कर रही है। So, इसका सोल्यूशन क्या है गाइस? Well, टोयोटा का ये ब्रांड न्यू इंजन ईवी इंडस्ट्री को रिप्लेस करने के लिए टोयोटा ने एक ऐसा इंजन लॉन्च किया है जो कंप्लीटली हाइड्रोजन पर चलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वाटर वेपर को आसमान में एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा, जिस बाय प्रोडक्ट को बाय द वे आप पी भी सकते हो। अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूं तो ये इंजन ईवी मोटर से 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट होगा और इसने अपने प्रोटोटाइप स्टेज में ही टेस्ला के हाईएस्ट सेलर मॉडल वाई ईवी इंजन की जगह ले ली है। यकीन नहीं होता, राइट? तो देखो, कंपैरिजन कुछ ऐसा है ना, टोयोटा का हाइड्रोजन इंजन 1 रिफिल में 650 किलोमीटर कवर करता है और इस रिफिलिंग के लिए उसे बस 5 मिनट का ही समय लगता है, जबकि टेस्ला का मॉडल वाई एक सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर तक का ही माइलेज देता है, और वो भी तब जब उसे पूरे दिन के लिए चार्ज किया जाए। अब यहां तक सब कुछ वंडरफुल है, राइट? भले ही सबसे ऐसा लग रहा हो कि टोयोटा ने एनवायरमेंट को मद्देनजर में रखते हुए इसे बनाया है, लेकिन सच तो ये है कि टोयोटा कुछ हक मार के इसे बनाना पड़ा, क्योंकि US गवर्नमेंट ने टोयोटा के नॉर्मल कार्स पर बैन लगा दिया था। बात यह है ना, 2005 से लेकर 2015 तक टोयोटा जो अपनी गाड़ियां बेच रहा था छप्पड़ फाड़ के, टोयोटा इज द लार्जेस्ट सेलर ऑफ व्हीकल्स अगर आपको पता होगा तो उनके वर्कर्स की लापरवाही के कारण बिना उनकी गाड़ियों के टेल पाइप्स में कोई भी सुधार किए वो 10 सालों तक गाड़ियां मार्केट में बेचते रहे। और फिर जैसे ये बात US एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA की नजर में आई, उन्होंने इस इशू के रिगार्डिंग टोयोटा से डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मांगी, जिसे टोयोटा प्रोवाइड नहीं कर पाया, और इसके नतीजे में US गवर्नमेंट ने उन पर क्लीन एयर एक्ट को वायोलेट करने के चार्जेस लगा दिए और साथ ही कार्बन एमिशन के आंकड़ों में हेरा फेरी करने के आरोप में भी उन्हें $180 मिलियन के फाइन को भरने का अल्टीमेटम दे दिया। अब टोयोटा की स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि अगर वो ये फाइन नहीं भरते तो उनकी गाड़ियों पर बैन लग जाता, और फाइन भरते तो ऑब्वियसली उन्हें हैवी मॉनेटरी लॉस होता, और वैसा ही कुछ हुआ भी। अगले ही 2 सालों में इनके सेल्स ड्रास्टिकली डिक्रीज होने लग गए, एंड टू मेक सिचुएशंस इवन वर्स, 2020 में कोविड आ गया और सब ऑटोमोबाइल कंपनीज ने एनवायरमेंट को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद टोयोटा का मेजर फोकस अभी भी नॉर्मल कंबशन इंजन पर ही था, कोई ना इनोवेशन की उन्हें सूझ रही थी। सो टोयोटा की सेल्स वापस से 20% से गिर गई, जिसने बजाया अलार्म। इसके बाद जाके फाइनली उन्होंने अपना फोकस इनोवेशन और ड्यूरेबिलिटी वाले हाइड्रोजन इंजन बनाने की तरफ शिफ्ट किया। इस पर्पस के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली यामाहा के साथ कोलैबोरेट करके बियॉन्ड जीरो कैंपेन, इसका मेन मोटिव है जीरो कार्बन एमिशन, उसके अंतर्गत एक हाइड्रोजन कंबशन इंजन बनाया। बट यू नो व्हाट, हाइड्रोजन इस एलिमेंट को फ्यूल के तौर पर यूज करके एक इंजन बनाने का आइडिया टोयोटा का था ही नहीं। इस कॉन्सेप्ट के ओरिजिन के इतिहास में अगर एक नजर घुमाए तो दरअसल 18th century में एक स्विस आर्मी इंजीनियर फ्रैंको आइसैक डे रिवाज एक दिन कैनन फायर कर रहे थे, तब उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना इंजन के पिस्टन को भाप के बजाय किसी एक्सप्लोसिव मटेरियल से पावर किया जाए। सो उन्होंने तुरंत एक ऐसा दिखने वाला प्रिमिटिव इंजन डिजाइन किया, जिसे एक छोटे से बलून में हाइड्रोजन गैस भरकर इग्नाइट किया जाता था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, हर बार मैनुअली इग्निशन देकर इसे स्टार्ट करना पड़ता था, जिसमें भी वो सिर्फ 6 मीटर दूरी ही तय कर पाता। अब क्योंकि ये इम्प्रैक्टिकल था, इसीलिए फ्रैंको ने उसे स्क्रैप कर दिया। मगर 1860 में इसी इंजन में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स करके एक बेल्जियन इंजीनियर इटियन लेनोर ने इलेक्ट्रोलाइसिस पर चलने वाली पहली हाइड्रोजन कार बनाई, हिप्पो मोबाइल। अब क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, जो इन टर्न फॉसिल फ्यूल से आती है, इसीलिए सब कन्वीनियंटली फॉसिल फ्यूल्स पर ही शिफ्ट हो गए, और इससे 2 टाइप के फॉसिल फ्यूल पर चलने वाले इंजन्स इजाद हुए, डीजल और पेट्रोल इंजन्स, जिनकी वजह से हाइड्रोजन इंजन का कॉन्सेप्ट बस थियरी ही बनकर रह गया अंटिल 1966 तक, क्योंकि ये वो साल था जब जनरल मोटर्स कंपनी ने रॉकेट फ्यूल टेक्नोलॉजी को नॉर्मल कार्स में इस्तेमाल करने का सोचा, और फिर अपोलो मिशन के क्रायोजेनिक हाइड्रोजन टैंक से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार बनाई इलेक्ट्रोवैन नाम से। लेकिन द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट वाज, ये गाड़ी किसी चलते फिरते हाइड्रोजन बॉम्ब से कम नहीं थी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के सिलेंडर्स थे, एंड एज वी ऑल नो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू डेडली कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों भी इनफ्लेमेबल गैसेस हैं। पर चलो मान लेते हैं कि इनके पास उसका सोल्यूशन था भी, पर फिर भी इसे चलाने के लिए कह लो एक रॉकेट
साइंटिस्ट होना जरूरी था, बिकॉज जस्ट लुक एट दिस, इसका डैशबोर्ड किसी रॉकेट कंट्रोलर से कम नहीं है। एंड टू टॉप इट ऑल अप, अगर आप इसका डिजाइन देखोगे ना, तो आधे से ज्यादा गाड़ी की स्पेस तो सिर्फ इंजन ही लेता है, जिसकी वजह से भले ही वो 6-सीटर कार दिख रही हो, बट इसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते थे। इम्प्रैक्टिकल, राइट? और इसीलिए ये वैन कमर्शियल मार्केट में कभी आई नहीं। पर जनरल मोटर्स इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर भी पाते उसके पहले एक बड़ा सा हादसा हो गया, जिसने इसके प्रोडक्शन को ही रोक दिया। दरअसल इलेक्ट्रो वैन की एक टेस्टिंग के दौरान उसका हाइड्रोजन टैंक ब्लास्ट हो गया और उस गाड़ी के चिथड़े आधे किलोमीटर दूर तक उड़े, जिसे बस देखकर दुनिया ये अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ही डेंजरस थी। लेकिन फ्रेंड्स, एनीवे, ये तो इतिहास की बात है, राइट? अभी तो टेक्नोलॉजी आधुनिक हो चुकी है, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो आज के तारीख में हम निकाल लेंगे, राइट? क्या टोयोटा भी यही सोच रहा है? क्या रीजन है टोयोटा इस इतने खतरनाक टेक्नोलॉजी को वापस से मार्केट में ला रहा है? ऐसा क्या इलाज टोयोटा ने निकाल लिया है जिससे कि ये गाड़ियां, ये इंजिन्स ब्लास्ट प्रूफ हो जाए? वेल, इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए टोयोटा ने उस वैन में जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन्हें एक एक करके सॉल्व करना शुरू किया, स्टार्टिंग फर्स्ट विद सेफ्टी। सो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन लीक का प्रॉब्लम सॉल्व किया। बेसिकली इलेक्ट्रो वैन में हाइड्रोजन टैंक्स एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील से बने होने की वजह से लीक करते थे, क्योंकि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम थी। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए टोयोटा ने एक ऐसा मटेरियल चूज किया जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होने के साथ साथ वो मटेरियल लाइट वेट भी हो, और वो मटेरियल था कार्बन फाइबर, जिसकी मदद से जहां पहले के टैंक्स 3000 PSI का प्रेशर झेल सकते थे, वहीं ये टैंक्स 10000 PSI का प्रेशर आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। इन टैंक्स को फिट करके 2014 में टोयोटा ने सबसे पहली कमर्शियल हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार लॉन्च की, टोयोटा मिराए। लेकिन ये मॉडल काफी पॉपुलर होने के बावजूद भी उसके सेल्स उतने सैटिस्फाइंग नहीं थे, जिसका मेन रीजन था फ्यूल सेल की एफिशिएंसी। सो बेसिकली, जैसे कि हमें पता है, फ्यूल सेल्स इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम यह है कि एनर्जी दो अलग अलग कन्वर्जन प्रोसेसेस से गुजरती है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक टू केमिकल एनर्जी, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और सेकेंड केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस इन कार इंजन। इन डुअल एनर्जी कन्वर्जन की वजह से टोयोटा मिराए सिर्फ 25-30% ही एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रही थी, जबकि ईवीज 79-90% तक एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं। और फिर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए लगने वाले एनोड और कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से डैमेज और करोड होते हैं। इन सब की वजह से सेल की शेल्फ लाइफ भी बहुत कम हो जाती है। लेकिन टोयोटा के इस नायाब तरीके ने फ्यूल सेल के सारे नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स में बदल दिया। इस बार टोयोटा ने सोचा कि दोबारा बेसिक से शुरू करते हैं, बिना इलेक्ट्रोलिसिस से डी रिवास की तरह हाइड्रोजन गैस से ही हमारे नॉर्मल कंबशन इंजन को चलाते हैं। एंड आई टेल यू, इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। देखो, ईवी कार्स में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस फॉलो होता है कार के एक फ्यूल सेल में। नॉर्मल फ्यूल कार्स में इंजन में चार पार्ट्स में एनर्जी जनरेट होती है। पहले एयर और फ्यूल एक टैंक में मिक्स होता है, दूसरा एक पिस्टन उसे ऊपर की तरफ कंप्रेस करता है, तीसरा एक स्पार्क प्लग इग्निशन देता है, और चौथा कंबशन के बाद फ्यूल से निकली एग्जॉस्ट रिलीज होती है। सो इनकी मास्टर स्ट्रेटजी ये थी कि इन्होंने नॉर्मल इंजन में एयर और हाइड्रोजन को पंप करके कंप्रेस करना स्टार्ट किया, और बाकी का प्रोसेस सेम नॉर्मल इंजन जैसा ही फॉलो किया। नाउ ये मास्टर स्ट्रेटजी इसीलिए नहीं है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही नॉवल है, बट क्योंकि ये आइडिया ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन गैस एक नॉर्मल इंजन के सेटअप में ये एकदम बेसिक सा सुनाई देने वाला आइडिया किसी ने पहले प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जहां पर बाकी इंजन 20% एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, वहीं पर H2 इंजन करीब 40-50% एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। अब मे बी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसकी एफिशिएंसी डिटरमाइन कैसे होती है? कंबशन के बाद बचने वाले रेसिड्यू से डीजल, पेट्रोल और बाकी के फ्यूल्स पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाते और एंड में रेसिड्यू छोड़ते हैं जो वेस्टेज को कंट्रीब्यूट करता है। वहीं दूसरी तरफ हाइड्रोजन की एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम होने के कारण वो कंप्लीटली बर्न होकर नॉर्मल फ्यूल के मुकाबले ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर 5 लीटर डीजल 45 मेगा जूल एनर्जी पैदा करता है, तो 5 लीटर H2 120 मेगा जूल्स एनर्जी जनरेट करेगा। अब आई नो, ये सुनने के बाद आपको ये एकदम एफिशिएंट प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन अब तक एक और एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसको अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है।
वो है हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन। इस प्रोसेस के फेल होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1937 का हिंडनबर्ग डिजास्टर, जिसमें एक हाइड्रोजन से भरी एयरशिप न्यू जर्सी टाउन के ऊपर पलक झपकाते ही राख हो गई थी। एंड अनफॉर्चुनेटली इस हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई। एंड ऐसा ही कुछ फ्यूचर में ना हो, इसीलिए साइंटिस्टों ने एक नई तरकीब खोज निकाली है। वो डायरेक्टली हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन पर ही हाइड्रोजन फ्यूल प्रोड्यूस करेंगे बाय यूजिंग सन। इनिशियली ये प्रोसेस सोलर पैनल से वर्कआउट होता था, जो काफी एक्सपेंसिव और कम प्रोडक्टिव था। एंड रिसेंटली IEEE स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग जापान के यूनिवर्सिटी ने ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स डेवलप किए हैं जो फोटो इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। वी ऑल नो कि वाटर इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, जो प्रोवाइड करता है एनोड और कैथोड, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली जनरेट होता है। मगर ये फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के इलेक्ट्रोड्स सनलाइट की अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करेंगे। इस प्रोसेस में एनोड को टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो एन टाइप फोटो कैटलिस्ट है, उससे, और कैथोड को सिलिकॉन कार्बाइड, जो पी टाइप फोटो कैटलिस्ट है, उससे डोप किया गया है। अब जैसे ही सन से रेडिएशंस इस सेल पर गिरते हैं, इसमें लगा हुआ टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स यूवी एनर्जी पर एक्साइट होते हैं, और फिर ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड तक करंट के फॉर्म में फ्लो करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इसी मेथड को हाइड्रोजन स्टेशन पर H2 प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। ऑल इन ऑल ये इंजन इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि देखते ही देखते ये पूरे EV इंडस्ट्री को रिप्लेस करने की पोटेंशियल रखता है। और अब फ्रेंड्स, इतनी नॉवेल टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी टोयोटा हाइड्रोजन इंजन के साथ ही नॉर्मल इंजन को भी बेहतर बनाने की कोशिशें कर रहा है। एंड गेस व्हाट, इसमें भी ये सफल हो रहे हैं। और अब वो कैसे, वेल इस पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, अब यहां पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है और शायद फ्यूचर में हमें ऐसे कार्स देखने को मिलेंगे। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट बाय साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल ऑप्शन दबाओ, क्योंकि ये चैनल आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।